सरकारी स्कूलों की शिक्षा, निजी स्कूलों की शिक्षा कैसे गुणवत्तापूर्ण बने, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और देश के लिए ये सबसे जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण बने। इंक्विजिटिवनेस और क्यूरियोसिटी को जगाए, उत्सुकता को ना मारे, उत्सुकता को जगाने का काम करना चाहिए। और ऐसे में शिक्षा का मूलभूत अधिकार का कानून संसद ने पास किया, उसमें एक पहल थी कि पहली में जो छात्र प्रवेश करेगा वो बिना रोक टोक नौवीं तक सीधा जाएगा, उसका डिटेंशन नहीं होगा। लेकिन इसमें यह भी अनुचित था, यह भी कल्पना थी कि वो पढ़ेगा, उसका मूल्यांकन होगा, वो मूल्यांकन सही होगा, हर साल उसको नई प्राप्ति होगी ज्ञान की, भाषा में, विज्ञान में, गणित में उसका स्तर हर वर्ष बढ़ता जाएगा। लेकिन यह ऐसा हुआ नहीं। 10 साल का अनुभव ये बता रहा है कि जो कल्पना थी वो प्रत्यक्ष नहीं हुई, क्योंकि हर वर्ष में क्या योग्यता छात्रों ने प्राप्त करना है, कौन सी काबिलियत हासिल करनी है हर विषय में, इसका कहीं परिभाषित नहीं किया था। और इसलिए मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उनकी हमेशा यह आग्रह रहा कि जब तक बच्चों के गुणवत्ता हर वर्ष में क्या बढ़नी चाहिए ये जब तक हम परिभाषित नहीं करेंगे तब तक शिक्षा का परिणाम ठीक नहीं निकलेगा। और सही था उनका प्रयास, क्योंकि जो भी सर्वे सरकार ने किए, जो भी सर्वे निजी संस्थाओं ने किए, लेकिन उसमें यही झलक रहा था कि आठवीं का छात्र चौथी का गणित नहीं कर सकता है, सातवीं का छात्र पांचवीं का पाठ नहीं पढ़ सकता है। अगर ये होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बड़ी भूल हो रही थी, और इसको सुधारने के लिए अब 2 साल के अथक परिश्रम से यह लर्निंग आउटकम्स तैयार हुए हैं। यह अब सभी भाषाओं में भाषांतरित होकर शिक्षकों को जल्दी देना है हमें, क्योंकि उनके लिए यह हैंडबुक है। पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में, आठवीं में गणित में क्या आना चाहिए हर वर्ष में, भाषा में क्या आना चाहिए, समाज विज्ञान में क्या आना चाहिए, पांचवी के बाद विज्ञान में क्या आना चाहिए, इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान में क्या आना चाहिए, इसकी उपलब्धियां क्या होनी चाहिए, यह पूरा इसमें लिखा है। यह जैसे छठी में इंग्लिश में क्या आना चाहिए, या कक्षा 8 में हिंदी में क्या आना चाहिए, तो अपनी भाषा में बातचीत, चर्चा तथा विश्लेषण करने के अवसर हो, जीवन से जो जुड़े हुए विषयों को समझने का अवसर हो, प्रयोग की जाने वाली भाषा की बारीकियों पर चर्चा के अवसर हो, इस तरह से हर विषय का, अब मैथमेटिक्स का भी एलिमेंट्री स्टेज में उसको क्या आना चाहिए, तो क्लास 1 मैथमेटिक में उसको कितने अंक आने चाहिए, उसका जोड़ या क्या कैसे आना चाहिए, उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कैसे दिया जाए, हमारे लिए चुनौती है कि अच्छी शिक्षा भी दे और अच्छे तरीके से दे। और अच्छे तरीके से देने में शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाना हमारी जिम्मेवारी है। उसको उसमें रस आना चाहिए, जिसमें रस है उसमें वो जान लगाकर, मन लगाकर काम करता है, उसके मन को आकृष्ट करते हुए उसको खेलते खेलते ज्ञान कैसे प्राप्त हो, संवाद करते करते भाषा कैसे प्रचुर हो,
ये सिखाने की जरूरत है, तब काबिलियत बढ़ती है, तब आत्मविश्वास बढ़ता है, तब जाके छात्र अपनी क्षमताओं में वृद्धि करता है और आगे की चुनौतियों के लिए, उच्च शिक्षा की चुनौती के लिए तैयार होता है। आज नौवीं में ड्रॉप आउट हो रहा है क्योंकि अनेक जगह मैंने देखा कि ये जब लर्निंग आउटकम्स नहीं थे तो अनेक जगह मध्यान्ह भोजन के ही स्कूल बन गए, आना खाना जाना। इस तरह से करके हम शिक्षा नहीं दे रहे, तो ये शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाकर सघन शिक्षा को और उससे छात्र की काबिलियत बढ़े ताकि अगली उच्च शिक्षा के लिए वो सही मायने में तैयार हो। और इसलिए ये लर्निंग आउटकम, अब मेरी अपेक्षा आपसे ये है, थोड़ी देरी हुई है लेकिन अब और देरी नहीं करेंगे, जिन भाषाओं में, प्रादेशिक भाषाओं में इसका भाषांतर नहीं हुआ है वो तुरंत आने वाले 10-15 दिन में करें और जुलाई अंत तक ये किताबें उसकी पर्याप्त मात्रा में, शिक्षकों की जितनी संख्या है अभी से उसका टेंडर वगैरह सब प्रक्रिया पूरी करें, साथ साथ में एक के बाद एक ना करें, साथ साथ काम करने को सीखे। तो एक तरफ भाषांतर होगा, भाषांतर हुआ है तो टेंडरिंग होगा, टेंडरिंग होगा तो प्रिंटिंग शुरू होगा, प्रिंटिंग होता है तब उसकी डिलीवरी की भी व्यवस्था, ताकि हर शिक्षक के पास 15 अगस्त के पहले उसके हाथ में ये किताब होनी चाहिए। और साथ ही साथ पोस्टर्स बनवाए, इसके पोस्टर्स के नमूने हमने दिए हैं आपके यहाँ के प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाकर और आवश्यक फोटो लगाकर, लेकिन ये पोस्टर्स 5-6 पोस्टर्स निकाल के पोस्टर्स को दीवार पर लटकाना है। पोस्टर पर दीवार पे लटकाने से ये लर्निंग आउटकम्स सब लोगों को पता चलेगा कि ये वर्ष में उपलब्धियां होनी चाहिए। और मैं एक अपील और करूंगा कि हर पेरेंट को, चौथी का छात्र है उसका तो चौथी में क्या आना चाहिए, या हर पेरेंट को एक पैम्पलेट छोटी सी दे दे कि भाई गणित का ये आना चाहिए, भाषा का ये आना चाहिए, विज्ञान का आना चाहिए, क्या होगा उससे? इससे जिम्मेवारी बनेगी शिक्षक की कि ये हासिल करना है। जब पेरेंट्स को देते हैं तो अभिभावक की भी बनेगी कि ये आना चाहिए। स्टूडेंट्स को जब पोस्टर लगा रहे हो तो स्टूडेंट की भी जिम्मेवारी बनेगी कि ये उसको आना चाहिए या हासिल करना है, इस वर्ष का लक्ष्य ये है। उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाने में रुचि लाना ये शिक्षकों का दायित्व है। इस हैंडबुक में बहुत अच्छा वर्णन किया है, मुझे विश्वास है शिक्षक इसको और सुधार सकते हैं। और इसलिए आप प्रत्यक्ष इसका उपयोग करके पढ़ाना शुरू करिए, और पढ़ाने के बाद जो आपके अनुभव आएंगे उन अनुभवों को हमारे साथ साझा कीजिए। तो हमारे साथ साझा करने से अगले साल जब हम लर्निंग आउटकम्स बनाएंगे तो उसमें और सुधार करेंगे, आपके अनुभवों को उसमें जोड़ेंगे। देखो, शिक्षा हम सबका समान दायित्व है। मैं शिक्षा मंत्री हूं, लेकिन शिक्षक है, शिक्षा के अधिकारी है, पेरेंट्स है, स्टूडेंट है, स्कूल्स है, मैनेजमेंट है, सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि इसको हासिल करें, क्योंकि इन्हीं छात्रों में बहुत प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा को अगर अवसर देंगे तो ये अवसर देकर ये देश का नाम रोशन करेंगे, केवल अकेले खुद नहीं समृद्ध होंगे, देश को समृद्ध बनाएंगे। देश तरक्की करता है शोध और अनुसंधान पर, और ये शोध और अनुसंधान का मूलभूत तैयारी उसके स्कूल में उसकी उत्सुकता को कितना हम फूलने का अवसर देते हैं, प्रतिभा को फूलने का कितना अवसर देते हैं,
कितना प्रयोगशील उसको बनाते हैं उस पर निर्भर करता है, और इसलिए ये एक बड़ी पहल है। आप इसे जरूर समझिए, इसका महत्व समझिए, और आने वाले 2 महीने में ये सब, यानी 5 सितंबर का हमारा शिक्षक दिन होता है, मैं चाहता हूं कि 5 सितंबर को सभी स्कूलों में पोस्टर्स भी लगेंगे, सभी शिक्षकों के पास ये उन्होंने पढ़ा होगा, उसके सहारे पढ़ाना शुरू किया होगा, और साथ ही साथ छात्रों को, पेरेंट्स को, सबको इसकी जानकारी होगी। इसी से हमारी शिक्षा समृद्ध होगी, सघन होगी और शिक्षा सार्थक होगी। यही हमारा काम है, यही मिशन है, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, यही मिशन पर हम सब लगे, यही प्रार्थना करता हूँ। आपके वर्कशॉप के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।